आज अजमेर जिला सरपंच संघ की बैठक का आयोजन किया गया। दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। पूरे जिले से काफ़ी संख्या में यहाँ सरपंच साथी पधारे हैं। सरपंचों की काफ़ी समय से समस्याएं चली आ रही हैं, क्योंकि विकास कार्य स्वीकृत नहीं हो रहे हैं और विकास कार्य स्वीकृत नहीं होने से काफ़ी गाँवों में विकास नहीं हो रहे हैं, समस्याएँ हैं जैसे कि तैसे हैं, क्योंकि सरकार से हमें बजट जारी नहीं मिल रहा है और सरपंच साथी जिस प्रकार अपने विकास कार्यों को लेकर तत्पर, चुनाव में हमने वादा किया कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, उसके बाद आज तक वो कार्य जैसे कि तैसे हैं। जिस प्रकार अभी हमारे सरपंच साथियों ने बताया कि अब नवंबर का महीना है, टेंडर जारी नहीं हुए, बिना आईडी के ऑनलाइन समस्या आ रही है, नरेगा में 20 कार्य से अधिक कार्य पर हम लेबर नहीं लगा पा रहे हैं, और वो भी जहाँ 120 लेबर लगाई जाती थी अब केवल 70 लेबर लगा रहे हैं। ये हमारी बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारी और भी लंबित काफ़ी मांगे हैं, उन मांगों का हम यहाँ हमने सभी सरपंचों के साथ हमने इसकी रखी और हम सीओ साहब से, कलेक्टर साहब से, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहते हैं कि समस्या का निराकरण करें, अन्यथा ये अजमेर जिले का सरपंच आगे आंदोलन की रणनीति पर विचार करेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। शक्ति सिंह रावत, सरपंच ग्राम पंचायत केसरपुरा, महामंत्री प्रदेश सरपंच राजस्थान।